इंसानों की दुनिया जानवरों से बहुत अलग है। यहाँ किसी भी जानवर की ताकत का अंदाजा उसके शरीर से नहीं बल्कि डिफेंस मैकेनिज्म से लगाया जाता है। जिस तरह बिना हाथ पैर वाले सांप का जहर हाथी तक को मौत के घाट उतार सकता है, ठीक उसी तरह एनिमल किंगडम में एक और जानवर है जिसके आसपास भटकने तक से बड़े बड़े जानवरों की रूह कांप जाती है, और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि पॉर्क्यूपाइन यानी कि साही है, जो खतरा महसूस करने पर अपने शरीर में लगे कांटों को ऊपर कर लेते हैं। इस सिचुएशन में ज्यादातर जानवर ये सोचते हैं कि पॉर्क्यूपाइन को शांत होने देते हैं और फिर उस पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब ये शांत होते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एंशंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और इन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले ये बता दिया था कि पॉर्क्यूपाइन के नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं है, और इन्होंने ये तक कहा था कि पॉर्क्यूपाइन अपने शरीर में लगे कांटों को खतरा महसूस करने पर सामने वाले जानवरों के ऊपर शूट करते हैं। पर इनकी कही बात पर अंधा विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं एक हद तक तो सही है, पर इसका एक और पहलू रिसर्च में सामने आया। असल में पॉर्क्यूपाइन अपने कांटों को शूट करना जानते हैं, लेकिन ये किसी के ऊपर जानबूझकर हमला नहीं करते बल्कि रैंडमली शूट करते हैं। हाँ, अब भले ही कोई जानवर बीच में आ जाए और उसे कांटे लग जाए तो बात अलग है, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब शिकारी जानवरों को पता है कि पॉर्क्यूपाइन के कांटे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो लगातार इन पर हमला क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंसानों की बात तो अलग है, हमें बिना मतलब का रिस्क लेना अच्छा लगता है, तभी तो हम स्काई डाइविंग जैसे खतरनाक स्पोर्ट्स को भी इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो इनके लिए इनकी भूख सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसे मिटाने के लिए ये किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप जंगल के राजा शेर के रूप में देख सकते हैं, जो वैसे तो सभी तरह के जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो इन्हें दूसरे विकल्प देखने पड़ते हैं। कई बार तो ये इंसानों तक पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और कई बार इन्हें ना चाहते हुए भी पॉर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाना पड़ता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन इलाकों में कम बारिश होती है वहाँ पॉर्क्यूपाइन बड़ी बिल्लियों की डाइट में 28% शामिल होते हैं, लेकिन जिन इलाकों में अच्छी खासी बारिश होती है वहाँ ये केवल 4% पॉर्क्यूपाइन ही बड़ी बिल्लियों का शिकार बनते हैं। यानी कि ये शेर का पसंदीदा शिकार तो नहीं है। अब भला कौन ये चाहेगा कि उनके चेहरे के चारों तरफ कांटे चुभ जाएं और उसे भयानक दर्द का सामना करना पड़े। लेकिन जो यंग लायन होते हैं वो दूसरे जानवरों के होने के बावजूद पॉर्क्यूपाइन पर हमला करने से पीछे नहीं होते, क्योंकि यंग लायन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिसे वो छोटा साइज का जानवर समझ रहे हैं वो इन्हें कितने भयानक नुकसान पहुँचा सकता है। कई बार शेर पॉर्क्यूपाइन के कांटों से घायल हो जाते हैं, तो कई बार कांटे शरीर के नाजुक हिस्से में लगने की वजह से शेर की मौत भी हो जाती है। अगर आप पॉर्क्यूपाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं लगते हैं, सिर्फ इनके कांटे ही हैं जो जानवरों को डरा कर रखते हैं, जिसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि इनके कांटे काफी अजीब शेप के होते हैं, जो शरीर के अंदर जाने के बाद जल्दी निकलते नहीं है और हर दिन 1 इंच और अंदर ज्यादा गहराई तक जाते रहते हैं। यानी कि अगर जल्दी से इन कांटों को जानवरों के शरीर से नहीं निकाला गया तो इन्हें निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। वैसे तो इनके कांटों में कोई जहर नहीं होता, लेकिन पॉर्क्यूपाइन को कई सारी बीमारियां होती हैं जो इन कांटों के जरिए दूसरे जानवरों में भी चली जाती हैं। दोस्तों, अब ये सारी बातें सुनने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर इनके कांटे इतने ज़्यादा खतरनाक हैं तो ये खुद पॉर्क्यूपाइन को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाते? क्योंकि ये जानवर भी दिन भर में तरह तरह की एक्टिविटीज़ तो करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनके लंबे लंबे कांटे का इनकी स्किन में चुभ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों, यहाँ पर इन्हें एडवांटेज ये है कि इन्हें अपने कांटों से एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये अपने कांटों से इंजर्ड हो भी जाते हैं तो इन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा और इनकी बॉडी अपने आप ठीक होने लगेगी। पर अगर हम शेरों की बात करें तो दोस्तों, इनकी बॉडी के अंदर कांटे जाने के बाद क्या उन्हें निकाला जा सकता है? क्योंकि जब ये चीज़ डॉग के साथ होती है तो डॉग का ओनर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और थोड़े ही समय में डॉग्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वाइल्ड एनिमल के साथ इस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाला तो कोई होता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एक जानवर दूसरे जानवर की मदद लेकर इन कांटों को निकलवाने की कोशिश करता है। हालांकि ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता,
और इसमें जानवर को काफ़ी दर्द से गुजरना पड़ता है और कांटे निकलने के बाद भी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि हम इंसानों को अगर कहीं घाव हो जाता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, पर जानवरों के पास कोई डॉक्टर नहीं होता, इसलिए वो अपने घाव को चाट चाट कर उसे सही कर लेते हैं। और आपने भी कई बार उंगली वगैरह से खून निकलने पर उसे चाटा तो ज़रूर होगा। असल में दोस्तों हम ऐसा करते तो अनजाने में हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। जहां हमारे सलाइवा यानी कि थूक में प्रोटीन होता है और ये ब्लड क्लोटिंग को भी रोक देता है, और साथ ही साथ अगर चोट लगने वाली जगह पर कोई बैक्टीरिया भी होता है तो हमारा सलाइवा उसे मार देता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। खैर अभी तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चलन में नहीं है, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब लोग किसी भी चोट वगैरह के लगने पर खुद तो उस जगह को नहीं चाटते थे, लेकिन डॉग से घाव वाली जगह पर चाटने के लिए कहते थे, क्योंकि शुरुआत से ही सबको पता है कि डॉग्स बड़ी आसानी से अपने घाव को चाट कर ही ठीक कर सकते हैं। और तब इंसानों ने ये सोचा कि अगर ये अपनी चोट को चाटने से ठीक कर सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। पर आप ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप चोट लगी हुई जगह पर अपने डॉग से चाटने के लिए कहेंगे तो आपकी चोट ठीक हो या ना हो, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं कि डॉग के अंदर मौजूद इन्फेक्शन आपकी चोट के जरिए आपके शरीर में पहुंच सकता है और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी कि अब अगर सारी चीजों का सार निकाला जाए तो एक चीज है कि पोर्क्यूपाइन से पंगा लेना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि आप हाथी जैसे खतरनाक जानवरों में भी कुछ ऐसे हाथी मिल जाएंगे जो कभी किसी पर वार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी सीधे साधे पोर्क्यूपाइन को ढूंढने जाएंगे जो आप पर हमला ना करे, तो इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ये चाहे जितने भी शांत क्यों ना हो, इससे खतरे की गुंजाइश कम नहीं होती। ये चीज़ एक्टिव शेडिंग के दौरान ज़्यादा देखने को मिलती है, जहां मई महीने के अंत में इनकी स्किन में लगे जो कांटे होते हैं वो ऑलरेडी बहुत लूज हो जाते हैं, जहां अगर इन्होंने अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा तेज़ी से मूव किया तो इनके कांटे आसपास मौजूद चारों जगह पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, और इनके इस कांटों की फायरिंग के बीच अगर कोई आ गया तो उसका काम तमाम ही, समझिए। असल में दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि पोर्क्यूपाइन की बॉडी में 30,000 के करीब कांटे होते हैं, जो इन सभी से छुटकारा पाना पोर्क्यूपाइन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक कांटा उसके शरीर से निकलता है नए उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे बाल हम कितना भी क्यों ना काट लें, नए बाल उगते ही हैं, और अगर हम अपने बालों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहां हमारे बालों के ऊपर कई सारी परतें होती हैं। पर अगर हम पोर्क्यूपाइन के कांटों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके इन बड़े बड़े कांटों में से आपको छोटे छोटे कांटे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जहां पहली बात तो इन्हें छूते ही ये स्किन में चुभ जाते हैं, और जब पोर्क्यूपाइन के कांटे शरीर में चुभते हैं तो इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे इनके कांटों को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि इसमें अच्छा खासा दर्द होता है। यही वजह है कि जब पोर्क्यूपाइन के कांटे डॉग्स के शरीर में चुभते हैं तो उन्हें निकालने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जानवरों के इसी डिफेंस मैकेनिज्म को देखकर इंसानों ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। तभी तो आपको जो एरो यानी कि तीर देखने को मिलेंगी वो दो तरह की होती हैं, एक जो काफ़ी स्मूथ होती हैं और आसानी से शरीर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन दूसरी वाली जब शरीर के अंदर जाती है तो अपने यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से उसे बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो दूसरी वाली तीर तैयार की जाती है उसमें कुछ ऐसे कांटे बनाए जाते हैं जो नॉर्मली तो नहीं चुभते, लेकिन अगर वो किसी जगह पर अटक जाए तो वहाँ से बाहर निकालने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। और यही वजह है कि पोर्क्यूपाइन के इन कांटों से दूसरे जानवर दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।